सुबह बखैर जिंदगी। वीनस की एक खुशगवार सुबह जिंदगी को खुश आमदीद कहते हुए। क्या आपको मालूम है कि वीनस को देखने हर साल 2 करोड़ स्याह आते हैं। ये शहर क्यों खास है और स्याहों की जन्नत कहलाता है, देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात हो जाए समुंदर की, जिसकी वजह से वीनस का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। खास तौर पर इटली के शुमाल में लैंड लॉक्ड और ठंडे ममालक जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग यहाँ आते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं वीनस पहुंचा तो यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से मुकामी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिला। इस जगह पर बच्चों के लिए एक खेल पेश किया जा रहा था, जिससे तमाम शोर का बहुत ही महसूस हुए। यहाँ एंट्री फ्री थी, इसलिए तमाम जगहों में थोड़ा थोड़ा मैंने क्याम किया और तस्वीर पेशी की। ये तमाम प्रोग्राम ऐसे थे जिसको तमाम खानदान के अफराद इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। Ai foresti e noi altri dove stiamo? All'ultimo piano. Con chi? Con in terrazza con i colombi. Ma scusa un attimo. चांदनी में बीकी इस शाम में लहरों पर सरगम उतर आई, और फिर हमें आपकी यादों से ना मिली रिहाई। ये खूबसूरत शाम उस खास शख्स के नाम जिसकी यादें मेरी जिंदगी का आसा सन। तुम वो पहली लड़की हो जिसको देख के धूप का हर टुकड़ा बादल हो सकता है, जिसको देख के चांद किसी शब्द पूरा पागल हो सकता है। यादों की बारात और खामोशी की चाशनी ने हमें वक्त की कैद से आजाद कर दिया। अगली सुबह चाय की प्याली के हमरा बादे सबा नोश की और चल निकले वीनस की सैर को। हम जा रहे हैं वीनस की तरफ और ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफर है। Thank you.
वीनस शहर के इब्तदाई घर बिल्कुल इसी तरह लकड़ी के तख्तों के ऊपर कम गहरे पानी के ऊपर तमीर किए गए थे। इस समुद्री पानी की खासियत ऐसी है जो लकड़ी की साख को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी वजह से वीनस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी उसी तरह महफूज हैं। वीनस पहुंच चुके हैं और यहां से वीनस के सेंट मार्क स्क्वायर की तरफ जाएंगे। वीनस शहर में हमेशा सियाहों की फौज मौजूद रहती है, शायद इसी वजह से टिकट के लिए लंबी लाइन में लगने के लिए तैयार रहे। सेंट मार्क बासिलिका का आर्किटेक्चर इस शहर के शानदार माजी की गवाही दे रहा है, मगर इस तरह की इमारत अकीदत और मोहब्बत की मेज़ से मजबूत आती है। दूसरी तरफ समुंदर है और अभी हम लाइन में लगे अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये इस गिरजाघर का बैरूनी दरवाजा है जिससे दाखिल होकर हम गिरजाघर के अंदर जाएंगे। ये गिरजाघर सेंट मार्क के नाम से मंसूब है। सेंट मार्क का शुमार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 करीबी हवारियों में होता था जिन्होंने तौरात की तदवीन और ईसाई मज़हब की तबलीग के हवाले से नहायत ही बुनियादी किरदार अदा किया। यहाँ दीवारों पर बनी तस्वीर बाइबल के मुख्तलिफ वाक़ियात के बारे में बता रही हैं। इनकी खूबसूरती और चमक को बढ़ाने के लिए 4000 किलोग्राम से ज़ायद सोने को इस्तेमाल में लाया गया है। यहाँ टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये गिरजाघर वीनस के बादशाह या हुक्मरान जिसको डोज के नाम से खिताब किया जाता था सिर्फ उसके लिए मखसूस था। आम लोग यहाँ सिर्फ खसूसी मौक़ों पर जैसे कभी जंग जीत ली या किसी त्यौहार के मौके पर आते थे। ये इस गिरजाघर का मरकजी हिस्सा। नहायत ही शानदार और इंसानी फन के मराज का उमदा नमूना।
लंबी लाइन की वजह से डोज के शाही महल को देखने के बजाय विजुअल आर्ट की शानदार नुमाइश देखी, जो इस गिरजाघर के बिल्कुल करीब ही एक इमारत में लगी हुई थी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं। अभी वीनस शहर के अंदर ये छोटी छोटी गलियाँ दीवार हैं, तो मैं थोड़ा इसको देखने लगता हूँ कि यहाँ के मुकामी लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, यहाँ के मुकामी लोग खाना खाने में मशहूर हैं। मैं भी ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ से जो है खाना मिलेगा। ये रस्ते में एक दुकान है जहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन इतने डिज़ाइन लगे। क्लासेस में मेरा इंटरेस्ट था मगर कीमतें बहुत ज़्यादा, तो फ़िलहाल सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही गुजारा करें। वियना शहर के करीब एक जज़ीरा है जहाँ शीशे का नहायत ही उमदा काम होता है। ये है वियना शहर की ग्रैंड। वेनिस में तमाम अशिया की तरसील भी इसी किनाल के ज़रिए होती है। 50,000 आबादी वाले इस शहर के मकामी अफराद आमदोरफ्त के लिए वाटर बस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दाएं तरफ देखें तो आपको छोटी कश्तियाँ नज़र आ रही होंगी। ज़्यादातर टूरिस्ट गंडोलों में बैठकर इस शहर की छोटी छोटी गलियों को देखते हैं, जहाँ इनसे 40 मिनट के 80 से 100 यूरो मिल जाते हैं। ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र होगा, मगर अगर आप मेरी तरह ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो वीनस की वाटर बस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वीनस में बने इस पुल को कहते हैं रितालो ब्रिज। ये रोमन आर्किटेक्चर का एक उमदा नमूना है। वेनिस में बने ये घर यहाँ के ताजरों की हुनरमंदी और दौलत की चूंगी करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन सब इमारतों के दरवाजे पानी के अंदर खुलते हैं, तो अपने घर से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती की मदद दरकार होती है। ये वाटर बस चल रही है जिसपे यहाँ के मुकामी लोग सफर करते हैं। ये टेमिया ब्रिज वेनिस के अंदर, ये सेंट मैरी चर्च, लोगों के कीदे के मुताबिक इस चर्च की तब्दील की वजह से ये टाउन की वबा से बच गए।
वीनस में ज़्यादा लोग शादी की तकरीबात भी कश्ती के अंदर मनक़द करते हैं। ये सामने कश्ती में कोई जोड़ा सिंधी के सफ़र का आगाज कर रहा है। ढलते सूरज के साथ एक यादगार दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा और वापसी का सफ़र शुरू हुआ। इस सारे रास्ते में समुंदर के रंग हमारे संग रहे और सोतो मरीना वापसी तक मोबाइल की बैटरी सिफर हो चुकी थी, मगर ज़िंदगी की बैटरी चार्ज हो चुकी थी क्योंकि कुछ यादें मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन चुकी थी और अब यह आपकी इमानत है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे।